टीकाकरण जागरूकता अभियान जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे के नेतृत्व में संपूर्ण कटनी जिले के सभी विकासखंडों में टीकाकरण जागरूकता रथ गांव गांव में भ्रमण कर रहा है। विकासखंड कटनी के ग्रामों में भी उप टीकाकरण जागरूकता रथ जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग स्वयं को कोरोना बीमारी से सुरक्षित बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़े और स्वयं टीकाकरण कराते हुए दूसरों को भी टीकाकरण हेतु जागरूक व प्रेरित करें। कटनी जनपद सीईओ आरएन सिंह के दिशा निर्देश में ब्लॉक समन्वयक एसबीएम जग्गी पटेल व ब्लॉक समन्वयक जन अभियान परिषद बालमुकुंद मिश्रा के समन्वय से ब्लॉक के सभी ग्राम में टीकाकरण जागरूकता का संदेश दे रहा है, जिसमें जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियों के साथ साथ वॉलंटियर का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो ये आप बताएंगे टीके के बारे में कि आपको टीका लगे तो कैसा लगा है, आपको कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं है। तो टीका लगना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। उससे क्या फायदा होगा टीका लगने से? भाई, टीका लगने से कोरोना नहीं होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, घर वाले भी परेशान नहीं होंगे। जिसके घर जाएंगे कोई बैठने को नहीं कहेगा तो कम से कम छुआ छूत न रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ आप बताना चाहेंगे पब्लिक को? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी तकलीफ से पैसा खर्च करके वैक्सीन बनाई गई। हमारे देश की जनता जागरूक नहीं है, वैक्सीन नहीं लगवा रही, डर रही है, ये गलत फहमियाँ हैं और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। हमारे माननीय सचिव जी, सरपंच जी, सब लोग, नर्स, सिस्टर, मीडिया, आशा कार्यकर्ता, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। गाँव की पब्लिक जागरूक नहीं हो रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे जागरूक करने के लिए? आप जागरूक करेंगे? हाँ। कैसे जागरूक करेंगे भाई? सब लोग टीका लगवाओ, हम 63 साल के, हमको तो लगा कुछ नहीं हुआ, दोनों टीकों में कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।